जितने भी जॉइंट्स थे बॉडी में, चाहे उंगली का जॉइंट हो, चाहे कलाई का जॉइंट हो, कोहनी का जॉइंट हो, घुटने का जॉइंट हो, सभी जॉइंट में अच्छी राहत मिलती है। लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, राइट हैंड की थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। इसे संधि मुद्रा कहते हैं। ये जॉइंट्स में बहुत जबरदस्त काम करते हैं। जॉइंट की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर नियमित रूप से आप एक घंटा करेंगे तो स्टार्टिंग में जो तकलीफ होती है इससे दूर हो जाती है। और इस मुद्रा के साथ लाम मंत्र का उच्चारण करें, लाम 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 लाम, ये कर सकते हैं। और इसके साथ ही वायु के कारण तकलीफ हो तो फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर अंगूठे से दबा, वायु के कारण तकलीफ इससे दूर हो जाए। अब मैं आपको महत्वपूर्ण मुद्रा बताने जा रहा हूं, गुरुदेव के श्री अनुकंपा और आशीर्वाद से उस मुद्रा का रिसर्च हमारे द्वारा हुआ है। और श्रद्धेय मुनि श्री महेंद्र कुमार जी ने मेहनत की कृपा करके इस मुद्रा का नाम पारस मुद्रा रख दिया। तो ये नौ मुद्राएं हैं। तो सबसे पहली मुद्रा मैं बता रहा हूं, देखिए पहली मुद्रा है अंगुलियों में अंगुलियां फंसाएं, इस तरह फंसा लीजिए। और थोड़ा आपको तकलीफ तो पड़ेगी, हीरा भंगा मोती माणिक की अंगूठियों का मोह छोड़ना पड़ेगा, तो आप जल्दी अच्छे बनेगा। ऐसे फंसा दीजिए, अब चेस्ट का सहारा दीजिए, अब इसको घर्षण करते हुए बाहर निकालना है, इस तरह स्लोली स्लोली इस तरह। तो 10 बार करेंगे कम से कम, करिए। दो अंगुलियों में घर्षण होना चाहिए, तीन चार पांच, सभी को करना है, छह सात आठ नौ दस और बस। अब देखिए कम से कम 25 बार करना। इस तरह मुद्रा करने के बाद इसे दबा दीजिए, अंगुलियों को इस तरह दबाना है, तो अगली मुद्रा करने के लिए उंगलियां हमारी तैयार हो जाएंगी। ये तो कभी कभी की अच्छी जाती है, तो स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। अब दूसरी मुद्रा बता रहा हूं, इनसाइड फंसाए, अंदर की तरफ इनसाइड हो, बात हो अंदर की हो, जैसे जैसे अंदर अंगुलियों फंसाओ इस तरह। अब अंगुलियों को सिद्धि कर दीजिए, आप स्ट्रेट कर दीजिए, चेस्ट के बाद लगे तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, तो आराम से कर सकते हैं। इसमें जिनके घुटने में दर्द होगा अंगुलियों में भी दर्द होगा, आप चेक करना। यस, जिनके पैरों में दर्द है तो भी अंगुलियों में दर्द होगा, धीरे धीरे चलिए। दो तीन चार पांच छह, उंगली स्ट्रेट करने के बाद निकालेंगे तो अच्छे से होगा, एकदम स्ट्रेट कर दीजिए, इस तरह कर दीजिए। सात आठ नौ दस, अब आप सवा दीजिए। देखिए ये मुद्राओं से अनेकों लोगों के नी रिप्लेसमेंट कैंसर हुए हैं, और स्टार्टिंग के घुटने की तकलीफ तो कितने लोगों की हुई। महेंद्र उपाध्याय स्वामी के साथ में अचित मुनि जो बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, इस साल में बहुत तपस्या की, उनके घुटने 7 अंगे ठीक हो गए, और 3-4 पत्र एक 7 अंगे घुटने ठीक हो गए, तो बहुत अच्छी मुद्रा है। तीसरी मुद्रा बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को फ्री कर दीजिए, राइट हैंड की 4 अंगुलियों से सेकंड थर्ड और फोर्थ अंगुली के बीच वाले पोर्टर को इस तरह पकड़िए, इस तरह जैसे। अब इसमें रब करिए, आप रब स्मूथली रब करिए इसे, तो आपके अंगुली दोनों जो बीच वाले अंगुलियां हैं उनके बीच वाले पोर्टर में दर्द होगा, चेक करिए ऐसे। दर्द है आपको? अच्छे से चेक करो। तो ये कम से कम करना है 5 मिनट तक, तो स्टार्ट में 1 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़िए। फिर राइट हैंड में सेम रिपीट करना है, सेम पोस्चर करें रिपीट।
अच्छे से करिए, थोड़ा संभाल के अच्छे से करिए। अभी आप उठेंगे ना आपके पैर अलग हो जाएंगे। ठीक है, कितनी मुद्राएं हुई? तीन हुई। अब चौथी मुद्रा बता रहा हूं आपको, घुटनों पर हाथ को इस तरह रख दीजिए, ऐसे ऐसे रखिए, और जो बीच वाले दोनों उंगलियां है राइट हैंड की तीन उंगलियों से इस तरह कर्षण करना है, ऐसे इस तरह। तो साइड में जो घुटना का दर्द होता है वो इससे ठीक हो जाता है, ऐसे उंगली नीचे रखी हुई रहेगी वहां। तो ये आप 50 बार कर सकते हो, और फिर सेम राइट हैंड में सेम रिपीट इस तरह। ऐसे ठीक है, पांच में उल्टा करना है, उल्टा एकदम सेम, और इस तरह करिए। तो इसमें टोटल एरिया का दर्द कवर हो जाता है। थोड़ा अच्छा प्रेशर कैसे आते लेकर नहीं देना, जैसे ये जो तीन अंगले ये प्रेशर में काम आते हैं, तीनों बीच वाले अंगले बाकी फ्री कर दीजिए, और फिर राइट हैंड में पांच छठी बता रहा हूं, ये देखिए अंगले में अंगले फंसाइए और इसको पे कर दीजिए ऐसे। ये सबसे पावरफुल मुद्रा है। एक बात ये ध्यान रखना है, कुर्सी पे अगर आप बैठते हैं तो दोनों घुटनों के बीच में हाथों को दबा दीजिए, इस तरह मुद्रा को दबा दीजिए, तो अच्छा प्रेशर आता है। बस आगे दोनों घुटनों के बीच में रखो हाथ, दोनों घुटनों के बीच में आप दबाओ ऐसे, इसमें बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा प्रेशर आता है इसमें। दो मिनट से स्टार्ट करिए, छह महीने में आधा घंटे तक पहुंची, डायरेक्ट नहीं होगी आधा घंटा, दो मिनट कल तीन मिनट परसों चार मिनट, इससे क्रमबद्ध आप आगे बढ़ेंगे तो आपको काफी राहत मिल जाएगी। अब मैं आपको सातवीं मुद्रा बता रहा हूँ, ये थोड़ी डिफिकल्ट है लेकिन आपसे होते तो देखिए, हाथ को इसे रखिए, इसमें उंगलियों फंसे ही है, सभी नाखून उंगलियों के एक ही लेवल में रहेंगे, और फिर उंगलियों को पेक करना है, तो इसमें दर्द भी होगा। आप ऐसे देखिए, ऐसे थोड़ा आगे बात फंसाना है, इस तरह पेक कर दीजिए, और उंगली अपने घुटने पर हाथ को रख दीजिए। इसमें दो मिनट पांच मिनट आराम से आप कर सकते हैं, फिर दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं सेम। और साथ नेक्स्ट मुद्रा है उल्टा करना, इसको ऐसे ही फंसाना है, लेकिन सब उंगलियां एक साथ बेंड होना चाहिए जैसे, तो प्रेशर आएगा। देखिए मेरे को देखिए आप, ये है अब मेरे सभी उंगलियां एक ही साथ जा रही है ये, तो अच्छा उंगलियों में इसमें पैरों का किसी भी तरह का दर्द जैसे ठीक हो जाता है, मेरी बहुत जो है तो इसमें फायदा मिलता है, इसमें अच्छा है। तो ये आठ मुद्राएं हो गई, अब नौवीं मुद्रा बता रहा हूं, तो कभी भी कर सकते हैं आप। कैसे रखिए दोनों उंगलियों को, सब उंगलियां खोल दीजिए और तीन उंगलियों को ऐसे फोल्ड करिए, जैसे सुनार लोग तार को कैसे खींचते हैं मशीन में डालकर, इस तरह खींचना जैसे, ये बहुत पावरफुल है, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं जैसे। दोनों हाथों से बारी बारी से कर सकते हैं तो इससे अच्छी राहत मिल जाती है। तो ये नौ मुद्राएं मैंने आपको बताई, समय का कितना महत्व है, और हमारे राजस्थान में बहुत सुंदर कहावत है, मारवाड़ी लोगों ने टाइम भले 25 बोले पहला नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, सब ये बोलते हैं बिजी है व्यस्त है व्यस्त है। आज की बात ने क्या कहा, जो जितना व्यस्त है उतना ही अस्त व्यस्त है, आप नोट कर लीजिए। तो समय का कितना महत्व है, एक वर्ष का कितना महत्व है, पूछे उस विद्यार्थी से जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, एक महीने का कितना महत्व है, पूछिए उस बहन से मां से जिसने समय से पहले बच्चे को जन्म दे दिया है, एक महीने का कितना महत्व है, पूछिए उस मां से जिसने समय से पहले बच्चे को जन्म दे दिया है, एक सप्ताह का कितना महत्व है, पूछिए उस संपादक से जो साप्ताहिक निकालता है, एक घंटे का कितना महत्व है, पूछिए उस व्यक्ति से जिसके घर में आग लग गई, एक मिनट का कितना महत्व है, पूछे उस व्यक्ति से जो स्टेशन पर पहुंच तो गया लेकिन ट्रेन निकल गई, एक सेकंड का कितना महत्व है, पूछे उस व्यक्ति से जो एक्सीडेंट होते होते बच गया, एक पल का कितना महत्व है, पूछे उस व्यक्ति से दावत से जो गोल्ड मेडल से वंचित रह गया। तो
समय का बड़ा महत्व है, तो समय को नियोजित करना चाहिए। जो 50-60 साल से ऊपर हो गए हैं और जो सामाजिक दायरे से ऊपर हो गए हैं, तो उनको अपनी आत्मा के निकट रहने का प्रयास करना चाहिए, आत्मा की निर्मलता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। पहले का जमाना था 50-60 साल के बाद घुटनों में दर्द होता था, आजकल 25 साल की युवति को भी हो रहा है, 30 साल के युवक को भी घुटने में दर्द हो रहा है। और घुटने के दर्द में पैर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उठना बैठना चलना फिरना सब पेड़ों के द्वारे होता है। घुटनों पर सबसे ज्यादा वजन आता है, अगर सिर में भी वजन उठाएंगे तो घुटनों पर ही वजन आता है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, कोटिलेज घिस गया हो, हड्डियों में गैप हो गई हो, चोट लग गई हो, वायु के कारण लिक्विड जमा हो गया हो, लिक्विड सूख गया हो, ऐसे कई कारण। घुटने में दर्द भी एक जगह नहीं होता, किसी को राइट में होता है, किसी को लेफ्ट में होता है, किसी को ऊपर होता है, किसी को घुटने की हड्डी के नीचे होता है, किसी को घुटने के पीछे होता है, तो ऐसे कई तरह के दर्द होते हैं। और ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, नी रिप्लेसमेंट भी कराना पड़ता है। और नी रिप्लेसमेंट का खर्चा कितना आप जानते हैं? दोनों घुटने के 4 लाख से लेकर 5 लाख, आदमी 5 लाख खर्च कर देता है। और जब ये प्रयोग करते हैं